नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंसिया क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं और ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। आप लोगों को प्लाज्मा मैंने बतलाया था कि प्लाज्मा में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है RBC, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड है जिसको हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं, और थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स। दिस इज़ द थर्ड वन, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम लोग RBC पे फोकस करेंगे। RBC क्या है? RBC का फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड कॉर्पसल्स। RBC कैसा होता है भाई? इन्यूक्लिएटेड सेल होता है, और ये कुछ ऐसा होगा, बीच में धंसा हुआ होगा, और जब बीच में दोनों तरफ से धंसेगा तो ये बाई कनकेव शेप आ जाएगा। दोनों साइड से देखिए दबा हुआ है ना, तो ये कैसा होगा? ये ओवल शेप्ड और स्फेरिकल होगा और बाई कनकेव होगा। सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाता है। और RBC क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन, एंड RBC इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन इज़ ए प्रोटीन। एक्चुअली हीमोग्लोबिन इज़ ए कंपाउंड प्रोटीन, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन। हीम इज़ द आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन पार्ट। सो दिस इज़ द कंपाउंड प्रोटीन एंड द मेन फंक्शन। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ RBC? RBC हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि RBC का मेन फंक्शन क्या होता है भाई? तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसलिए ये कैरियर भी कहलाता है। और दूसरा क्या करता है? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से जो है वो ब्लड क्या होगा? रेड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे WBC। इसका फंक्शन यहीं पे लिखा हुआ है, आप स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब फोकस करें WBC पे। WBC होता क्या है और ये कैसा सेल्स है WBC, है ना? तो WBC जिसको हम वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं, एक्चुअली ये भी राउंड सेल्स है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस का कोई शेप एंड साइज सही नहीं होगा। मतलब आप ये समझें कि इसका न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट शेप का होता है, अलग अलग लोब का होता है, इसमें अलग अलग लोब निकला होता है ना, कुछ इस टाइप का। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है WBC में, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स में, और इसके साइटोप्लाज्म जो हैं वो ग्रैनुलर भी होते हैं। दो तरह के साइटोप्लाज्म मिलेंगे देखने को आपको, ग्रैनुलर एंड नॉन ग्रैनुलर। ठीक है, तो WBC एक्चुअली ये फाइव टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ये फाइव टाइप के होंगे। कौन कौन होते हैं फाइव टाइप के? एक होता है एसिडोफिल सेल्स, एसिडोफिल्स। दूसरा होता है बेसोफिल्स, है ना? तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, और फोर्थ हो गया मोनोसाइट, एंड फिफ्थ वन इज लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये WBC का इम्पोर्टेंट फंक्शन। सेल्स का तो टाइप हम लोग जान गए कि एसिडोफिल होता है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, है ना? तो ये
ये फाइव टाइप्स के होते हैं तो इनका इम्पोर्टेंट काम क्या है, इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है ब्लड में या बॉडी में, तो ये करते क्या हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब ये एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो पहला ये हो जाएगा इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीज। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इट टेक्स पार्ट इन एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शंस में भाग लेता है एंड इंक्रीजेस इम्यूनिटी। ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि ये किलर सेल का काम करता है। WBC इज ऑल्सो नोन एज किलर सेल बिकॉज इट इनगल्फ द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनिटी बिकॉज इट फॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। वाई, बिकॉज लिम्फोसाइट इज द इम्पॉर्टेंट सेल, लिम्फोसाइट इज द इम्पॉर्टेंट WBC विच हेल्प्स टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स, इसको आप नोट कर लें दोस्तों, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, और ये इम्पॉर्टेंट टाइप है ब्लड सेल्स के। तो ये भी इन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, दीज आर इन्यूक्लिएटेड सेल्स, और इसका सबसे मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सीक्रेट करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जिसको आप कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो हम लोग ब्लड के बारे में ज़्यादा डिटेल 11 में स्टडी करेंगे, क्योंकि 11 में आपको पढ़ना है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग में कितने फैक्टर्स हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और प्लेटलेट्स का फंक्शन हम लोग उसमें स्टडी करेंगे डिटेल, क्योंकि वहाँ पे अलग से आपको ब्लड क्लॉटिंग भी जानना है, क्योंकि ये PMT वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड सेल्स हम लोगों ने आज स्टडी कर ली, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लिए, तो ये वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।